अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का कार्यक्रम जोर पकड़ चुका है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों के साथ मंत्री और बीजेपी के विधायक भी जुट गए हैं। जबलपुर में इसी सिलसिले में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के 22 जिलों के प्रतिनिधियों की आंतरिक बैठक लेकर धन संग्रह की रणनीति तय की। बैठक में उन्होंने बताया कि घर घर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों का सहयोग लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति 15 सालों में बहुत बेहतर हुई है। गोपाल भार्गव ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आए दिन के बयान पर कहा कि रोज सुबह मुर्गा अपनी उपस्थिति बताने जैसे बांग देता है। दिग्विजय सिंह भी अपने को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए अर्थ संग्रह के बारे में आज हमारी आंतरिक बैठक थी, उसके बारे में तय किया कि क्या होना चाहिए। पद्धति सारे 22 जिलों के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए हैं और एक ही था उद्देश्य उसको हमने पढ़ा। इस साल बेहतर से बेहतर तमाम विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी जो धीरे धीरे हमारी वित्तीय स्थिति लाइन पे आ रही है और सारी सड़कें, वैसे तो मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में हमें दावे के साथ में कह सकते हैं कि पिछले 15-17 वर्षों में हम बहुत बेहतर स्थिति में आए। नहीं तो मिस्टर बंडाधार दिग्विजय सिंह, जिनको हम लोग कहते थे, सड़कों की क्या स्थिति थी ये सब आपने देखा। दिग्विजय सिंह की बात को कोई गंभीरता से देश में नहीं लेता है। रोज जैसे एक मुर्गा बांग देता नहीं, जैसे सुबह होती है ऐसे ही दिग्विजय सिंह सोचते हैं कि उनके बांग देने से या उनके ट्विटर या कोई भी फेसबुक पे डालने से उनका नाम चलता रहेगा, बना रहेगा, चर्चा में रहेगा, यही एकमात्र उनका उद्देश्य रहता है।